नमस्कार दोस्तों, फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे फैंटेसी टिप्स एंड बेस्ट ड्रीम इलेवन कॉम्बिनेशन फॉर बेंगलुरु एफसी वर्सेस मुंबई सिटी एफसी। आईएसएल का ये गेम 4 दिसंबर को 9:30 PM को खेला जाएगा। बेंगलुरु का इस सीजन का स्टार्ट थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट रहा है, मुंबई सिटी एफसी का स्टार्ट काफी अच्छा रहा है। तीन तीन गेम्स दोनों टीम्स के अब तक हो चुके हैं। बीच में एक गेम में मुंबई ने स्लिप अप किया था, जहां पे वो हैदराबाद के अगेंस्ट हार गए थे, लेकिन पिछले गेम में मुंबई ने काफी अच्छा कमबैक दिया है। तो देखते हैं क्या इस बार डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई फिर से बैंगलोर सिटी को हरा सकते हैं। इस वीडियो में यही सारी बातें डिस्कस करेंगे, हेड टू हेड रिकॉर्ड देखेंगे, एक्सपेक्टेड लाइनअप आइडेंटिफाई करेंगे, की प्लेयर्स आपको बताएंगे एंड आपको हमारी सजेस्टेड ड्रीम इलेवन टीम प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपका जो भी हमारे लिए फीडबैक है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए एंड हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस गेम का जो फाइनल टीम होगा वो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर ही हम प्रोवाइड करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कार्ड में मैंने आपके लिए छोड़ दी है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, फैंटेसी अखाड़ा ऐप के बारे में बात करेंगे। इस ऐप पे धमाकेदार मेगा कॉन्टेस्ट चल रहे हैं इंडियन फुटबॉल लीग पे। आप देख रहे, ये जो गेम हो रहा है बैंगलोर और मुंबई के बीच में, इसमें इन्होंने 1 लाख का गारंटीड मेगा कॉन्टेस्ट चलाया है। सिर्फ 29 रुपीज इसकी एंट्री फी है, 5% आप बोनस कैश भी यूज कर सकते हो। इस ऐप की खासियत यह है दोस्तों कि यहाँ पे कंपटीशन कम होता है, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी बढ़िया हो जाता है। आप हमारे जो रेफरल कोड है विन FSP, उसको यूज कीजिए। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद 500 रुपीज आपको साइन अप बोनस मिल जाएगा एंड आप हमारे फ्यूचर फ्री गिव अवेज के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। तो फटाफट इस ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड खेलना शुरू कीजिए। आईएसएल के करंट सीजन के टेबल पर नजर डालेंगे। मुंबई सिटी करंटली सेकेंड पोजिशन में है। आप देख सकते हो तीन में से उन्होंने दो गेम्स जीते हैं, एक गेम हारा है। 9 गोल स्कोर करे हैं, 4 गोल्स कंसीड करे हैं एंड 6 पॉइंट्स के साथ है वो। चेन्नई जो फर्स्ट पोजिशन पे है उनसे सिर्फ 1 पॉइंट पीछे है। बेंगलुरु करेंटली सेवेंथ पोजीशन में है। तीन में से उन्होंने एक गेम जीता है, एक गेम ड्रॉ करा है, एक गेम हारा भी है। 6 गोल स्कोर करे हैं, 6 गोल्स कंसीड भी करे हैं, 4 पॉइंट्स इन्होंने अब तक जोड़े हैं। लेकिन इस गेम में अगर बैंगलोर जीतती है तो वो मुंबई सिटी के ऊपर मूव कर जाएगी। तो ये नया सीजन है, दोनों टीम्स ने कुछ नए प्लेयर्स ऐड किए हैं, काफी इंटरेस्टिंग मैच होगा ये। दोनों टीम्स के रिसेंट परफॉर्मेंसेस पे नजर डालेंगे। तो पिछले 5 गेम्स में आप देख सकते हो बेंगलुरु ने 2 गेम जीते हैं, 2 गेम्स ड्रॉ करे हैं एंड एक गेम हारा है। इनका फॉर्म इनकंसिस्टेंट चल रहा है, फिर भी इन्होंने 12 गोल स्कोर करे हैं इन 5 गेम्स में। अगर आप मुंबई सिटी एफसी की बात करोगे तो इन्होंने अपने पिछले 5 गेम्स में से 4 गेम्स जीते हैं, सिर्फ एक ही गेम वो हारे थे हैदराबाद के अगेंस्ट। इन्होंने 11 गोल स्कोर करे हैं अपने पिछले 5 गेम्स में। तो मुंबई ओवरऑल तो बहुत ही बढ़िया टीम है। पिछले साल इन्होंने अपना फर्स्ट आईएसएल टाइटल जीता था, इस साल भी इनके स्क्वाड में इन्होंने अच्छे प्लेयर्स ऐड करे हैं, तो काफी कॉन्फिडेंट होगी इस गेम में मुंबई सिटी एफसी। दोनों टीम्स कुछ और की स्टैट्स पर नजर डालते हैं। मुंबई सिटी एफसी के जो पिछले 4 गेम्स हुए हैं उसमें एटलीस्ट 3 या उससे ज्यादा गोल स्कोर हुए हैं, तो ये भी गेम हमारे हिसाब से हाई स्कोरिंग होगा। बेंगलुरु ने अपने पिछले 7 जो मुंबई सिटी एफसी के अगेंस्ट गेम खेले हैं उसमें एटलीस्ट 1 गोल तो कंसिड करा है, यानी बेंगलुरु मुंबई के अगेंस्ट क्लीन शीट नहीं रख पाई है अब तक पिछले 7 गेम्स में। हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर आप बात करोगे, जिसमें हमने पिछले 6 मैचेस का डेटा लिया है, उसमें बैंगलोर ने 1 गेम जीता है, मुंबई ने 4 गेम जीते हैं एंड 1 गेम ड्रॉ हुआ है। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में मुंबई का पलड़ा काफी भारी है। लेकिन जो पिछली मीटिंग हुई थी इन दोनों टीम्स के बीच में, वो बैंगलोर ने जीती थी 4-2 के स्कोर लाइन से। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टैट्स और एनालिसिस पसंद है दोस्तों, तो आपको जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे क्रिकेट और फुटबॉल के गेम्स होते हैं जो वीडियो प्रीव्यू के थ्रू कवर कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है एंड उन सारे गेम्स की हम फाइनल टीम आपको प्रोवाइड कर देंगे विद आर फुल एनालिसिस। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। दोनों टीम्स का ये एक्सपेक्टेड लाइनअप है हमारे हिसाब से। क्लेटन सिल्वा, उदांता सिंह एंड सुनील छेत्री बेंगलुरु की अटैक लाइन को लीड करते हैं। इसमें से क्लेटन सिल्वा काफी इन्फ्लुएंशियल प्लेयर बन जाएंगे एंड सुनील छेत्री ऑब्वियसली इंडिया के मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स में से एक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं बेंगलुरु के लिए। मुंबई सिटी एफसी 4-2-3-1 की फॉर्मेशन में खेलती है। इनके अटैक लाइन को लीड करते हैं इगोर अंगुलो,
विक्रम प्रताप सिंह एक नए यंग प्लेयर है जो काफी अच्छे फॉर्म में है करेंटली। उसके अलावा अहमद जहां मिडफील्ड में काफी इन्फ्लुएंशियल प्लेयर बन जाते हैं। मुर्ताड़ा फॉल इनके डिफेंडर होके भी काफी ज्यादा गोल स्कोर कर जाते हैं। अभी दोनों टीम्स के करंट सीजन के स्टैट्स पर नजर डालते हैं। बैंगलोर के टीम से आप देख सकते हो एलन कॉस्टा एंड क्लेटन सिल्वा इनके लीडिंग स्कोरर है। दोनों के एक गोल और एक असिस्ट अब तक आ चुका है। कुरुनियान जो इनके डिफेंडर है इनका एक गोल है। राणे का एक गोल है। इबारा का एक गोल है। आर सिंह के आप देख सकते हो दो असिस्ट है। एंड उदांता सिंह का भी एक असिस्ट अब तक आ चुका है। मुंबई सिटी एफसी से इगोर अंग्युलो इनके लीडिंग स्कोरर है विद 3 गोल्स एंड 1 असिस्ट। विक्रम प्रताप सिंह ने भी अच्छा स्टार्ट किया है इस सीजन को। द 19-year-old अटैकर हैज स्कोर्ड 2 गोल्स इन 3 गेम्स। जहाओ जो इनके मिडफील्डर है इनके एक गोल आया है, 2 असिस्ट भी आए हैं। बी सिंह के आप देख सकते हो एक गोल एक असिस्ट है। मुर्ताड़ा फॉल जो डिफेंडर है एक गोल अब तक स्कोर कर चुके हैं। काटाडाओ का एक गोल है एंड रेनियर फर्नांडिस का एक असिस्ट है। इन्हीं सारे प्लेयर्स को ध्यान में रखते हुए हमने हमारी सजेस्टेड ड्रीम 11 टीम बनाई है। फॉरवर्ड्स में हमने विक्रम प्रताप सिंह, क्लेटन सिल्वा एंड इगोर अंग्युलो इन तीनों को सिलेक्ट किया है। ये तीनों ही प्लेयर्स सेफ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन है आप बोल सकते हो। ये अपने टीम्स के अटैक लाइन को लीड करते हैं तो सबसे ज्यादा गोल स्कोरिंग चांसेस इन्हीं प्लेयर्स के पास आएंगे। इसमें से क्लेटन सिल्वा एंड इगोर अंग्युलो स्पेशली आपके लिए बहुत ही सेफ ऑप्शन है। आप जीएल में मल्टीपल टीम्स भी खिला रहे हो तो भी इन दोनों को आप अपना कैप्टन वाइस कैप्टनसी ऑप्शन रख सकते हो। मिडफील्ड में हमने उदांता सिंह, जहाओ एंड बी सिल्वा को सिलेक्ट किया है। इसमें से जहाओ अगेन बिकम्स अ वेरी इन्फ्लुएंशियल प्लेयर। ये प्लेयर काफी क्रिएटिव है। मिडफील्ड में सबसे ज्यादा बॉल कंट्रोल करता है। पासिंग वगैरह की आपको अच्छे खासे पॉइंट्स दे देगा। चांसेस काफी क्रिएट करते हैं। अब तक 2 असिस्ट दे चुके हैं। एक गोल भी स्कोर कर चुके हैं। इस प्लेयर को आप एक तगड़े कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन मान के चल सकते हो। डिफेंस देखने से पहले दोस्तों अगर अब तक का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को जरूर हिट कीजिए ताकि इसके आगे हम जो भी वीडियो डालें तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन आ जाए। डिफेंस में हमने कीपर सेलेक्ट किया है संधू फ्रॉम बेंगलोर। क्रोनियन एंड कॉस्टा इन दोनों को हमने हम सेलेक्ट किया है बेंगलुरु एफसी से। एंड मुर्ताड़ा फॉल को हमने सेलेक्ट किया है मुंबई सिटी एफसी से। अगेन अगर आपको एक स्लाइटली डिफरेंट रिस्की कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन चाहिए तो आप मुर्ताड़ा फॉल को अपना कैप्टन रख सकते हो। ये डिफेंडर होने के बावजूद काफी गोल स्कोर कर जाते हैं तो ये एक अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं। अगर मुंबई सिटीज की में क्लीन शीट भी रखे एंड इन्होंने अगर गोल स्कोर कर दिया तो आपका रैंक काफी इंप्रूव कर जाएंगे। ये करंटली जो हमने टीम बनाई है 6:4 के रेशियो में बनाई है एंड अभी भी हमारे पास 10 क्रेडिट्स बाकी है। तो देखते हैं क्या क्या प्लेयर्स है जो आप 11 प्लेयर के लिए ले सकते हो अपने टीम में 10 क्रेडिट्स में। बेंगलुरु एफसी से अगर आपको एडिशनल डिफेंडर चाहिए तो आप नावरम रोशन सिंह के साथ जा सकते हो। हमारे हिसाब से आपको एक बैलेंस टीम बनानी चाहिए। मुंबई सिटी एफसी से 2 प्लेयर्स जो आपको कंसिडर करने चाहिए, एक है उनके डिफेंडर राहुल, क्योंकि हमने करंटली एक ही डिफेंडर मुंबई की टीम से लिया है तो ये एक अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं एडिशनल डिफेंडर फ्रॉम मुंबई। एंड अगर आपको मिडफील्डर चाहिए मुंबई से तो आप लाले मांगविया के लिए जा सकते हैं। ये काफी इन्फ्लुएंशियल प्लेयर बन जाते हैं, काफी चांसेस क्रिएट करते हैं। तो आपकी एक बैलेंस आ जाएगा आपकी टीम में कि 6 प्लेयर्स आपके पास बैंगलोर से है, 5 प्लेयर्स आपके पास मुंबई से है। याद रखिए दोस्तों, ये हमारी फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे हम प्रोवाइड कर देंगे लाइनअप्स अनाउंस होने के बाद डेडलाइन से 10 से 15 मिनट पहले। उसके लिए आपको हमारा चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। फ्री चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगी। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फैंटेसी गेमिंग में फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व होता है, इसकी लत भी लग सकती है। जितनी आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उस हिसाब से ही इसमें इन्वेस्ट कीजिए। इस गेम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे किसी क्रिकेट या फुटबॉल के वीडियो में। धन्यवाद।